अयोध्या के राम मंदिर की तरह बनाई गई है श्री राम भगवान की झांकी, जिसमें विराजमान है रामलला और काफ़ी सारे देवी देवता विराजमान हैं उसमें, जैसे कि श्री राम भगवान और माता सीता और लक्ष्मण जी और हनुमान जी और गणेश जी और दुर्गा जी की प्रतिमा भी इसमें स्थापित है। तो नवदुर्गों के इस उपलक्ष्य में ये झांकी बनवाई गई है, जो कि आपको पता ही है अयोध्या के श्री राम भगवान, जैसे कि राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, बस उसी की प्रतिलिपि बनाने की कोशिश करी है और ये भोपाल के कारीगरों ने बनाया है फ्रेंड्स। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो पूरी देखें, फुल वॉच करें, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है आज का, ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है और पहली बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कहीं पर बिल्कुल अयोध्या की तर्ज पर मंदिर बनाया गया है झांकी, जो कि बाहर के कलाकार बना रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खर्च आया है इसमें, 3 से 5 लाख के अंदर खर्च बताते हैं कि इसको झांकी को बनाने में लगा है। और हम आपको बता दें कि ये जो झांकी है श्री राम मंदिर वाली, ये विदिशा के करैया खेड़ा रोड पर, मतलब मेन हाईवे मेन जो रोड है वहाँ से आप करैया खेड़ा रोड पे 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो ये श्री राम अयोध्या वाली झांकी वहीं पर लगी हुई है, जो पूरे 9-10 दिन के लिए लगी हुई है। और इसी जगह पे 2-3 साल से कंटिन्यू वैष्णो देवी की झांकी भी लगती है। यहाँ के अध्यक्ष महोदय बहुत ही अच्छे हैं, हमसे काफ़ी सारी बातें हुई होंगी और मैं नाम सॉरी भूल गया हूँ उनका, तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ उनसे। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब जो भव्य झांकी बनाई गई है हम उसके अंदर जा रहे हैं, तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी मनमोहक दृश्य दिखेगा आपको, जाते से ही श्री भगवान राम के दर्शन होंगे आपको। ये देखिए भगवान श्री राम, बहुत ही सुंदर प्रतिमा। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं श्री राम लला लिख भी रखा है, ये देखिए काफ़ी अच्छे से बहुत मेहनत की है समिति के लोगों ने, बहुत ही अच्छी समिति है और अध्यक्ष महोदय का तो बहुत ही अच्छा व्यवहार है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने काफ़ी देर उनसे बात करी, काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी सारे काम में लगे हुए हैं, फिर भी उन्होंने बात की थोड़ा सा टाइम देकर। और ये देख सकते हैं भगवान गणेश जी विराजमान है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर तरह से सजाया गए हैं भगवान, ये देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं, ये देखिए लिख रखा है माता सीता है ये देखिए, और ये लक्ष्मण जी, तो अलग अलग से छोटे छोटे सेपरेट मंदिर बना रखे हैं और बीच में एक गैलरी है, तो मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो पर पूरे बने रहिए। और अगर आप हमारी वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और फ्रेंड्स ये देखिए हनुमान जी, तो सबसे स्टार्टिंग में जो आपको मिलेंगे श्री राम भगवान, उसके बाद से ये सब लास्ट तक मूर्तियाँ हैं। और ये देखिए ये सबसे लास्ट का दृश्य है, ये आपको आखिरी मिलेगा, बहुत ही सुंदर। ये जो आप देख रहे हैं नाव में भगवान है, नाव में पानी पार करते हुए दिखाया गया है इनको एक तरह से, बहुत ही अच्छा दृश्य। भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता ये नाव में बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे दृश्य है। ये देखिए एक बार और आप मैं चलते हुए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट होगा, आप यहाँ से जाएंगे तो इस तरफ से आप जाएंगे, लाइट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ से निकलते हुए जाना है, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना है, यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भाई लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, तो अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।